तो हेलो गाइस, स्वागत है आज मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस, ब्लॉग बहुत दिन के बाद आ रहा है, जो कि अच्छा खासा। और अभी बज रहा है ब्लॉग जो कि 9:30 बजे, जो कि देख सकते हैं आप लोग, 9:30 बज रहा है अभी। और मुझे बाल भी कटवाने, जो कि बहुत बड़े बड़े हो चुका है। मेरे पास यहाँ पर ट्रिमर भी है, ये देख सकते हो, लेकिन इसमें मैं बाल नहीं काटूंगा, क्योंकि इसमें मेरे को काटने नहीं आता बाल, जो कि जो 9 लोग काट रहे हैं उसने अच्छा। तो बाल कटवाएंगे और जल्दी से। और भाई, मैं नहाया अभी अभी नहीं हूँ जल्दी से, आज रात में भी सोया नहीं हूँ, जो कि आज लगभग भाई 1 बजे के आसपास मैं सोया हूँ और 4 बजे उठ गया। तो अभी नहा खा के तो देख सकते हो कि आप लोग, मौसम अच्छा खासा नहीं है, ख़राब हो चुके हैं मौसम हम पूरा। और ठंडी ठंडी हवा भी चला थी सुबह के टाइम भी रही से, और अभी भी है खराब से बहुत अच्छा। दोपहर के लिखले नहीं फाते से, और ये हमारे गाँव के तालाब, और मैं बैठे हूँ मंदिर के पीछे में, जस्ट मोर मंदिर है पीछे में। और आप मन कमेंट में बताओ कि ये कैमरा क्वालिटी कैसे है। ये मोर बर्थडे गिफ्ट हरे, जो फ़ोन हम मोल मिले हैं बहुत साल के बाद मिले भाई, पहले बार मिले मुला, और जो कि अच्छा से है फ़ोन ले हो। तो ये है मछली फार्म, बहुत बड़ा है, जो कि ये बरबट्टी वहाँ है। और ये मौसम आज अच्छा भी नहीं है, और ये पंकज बहुत हंस रहा है। अब आप लोगों को मैं मछली दिखाता हूँ, इधर यहाँ पर है इसका, इसका बीच इलिगान सिम मछली है। वाह, थोड़ा से डालूंगा मैं, तो देख सकते हो ये है इसका बीच, मतलब या तो चारा। अब इसको डालने के बाद देखेंगे कितना मछली आता है। 1 2 3, वो भाई देख सकते हो आप लोग कितना मछली है, वो देख सकते हो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और उस साइड बोर है, मेरे पीछे में है पंकज, जाके अगर देख सकते हो ना, तो कोई ना कोई मछली खा दी, चाप दी पूरा। और उस साइड भी है, जो कि बहुत बड़ा, ये पहले खेत था, फिर इसके बाद मछली फार्म बना दिया। तो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं आम तोड़ने के लिए। ये देख सकते हो आम का पेड़ है कितना बड़ा है, और यहाँ पर किसान चेक है तोड़ने के लिए। और नीचे पे है आम जो कि गिराए हैं, देख सकते हो इसका साइज, देखो बहुत बड़ा बड़ा है। और यहाँ पर थैले पर भी है, जो कि यहाँ पर गिराते जा रहा है, उसके साथ एक साथ रखेंगे ऊपर से है। इस वाले पेड़ पे भी है, उस साइड है पे आम, देख सकते हो। और भाई देखो ये आम को बहुत सारा है, पहले बहुत था अब कम हो गया, चांद दिखना शुरू हो गया, देखो वो दिन में भी दिखता है चांद वैसे तो। तो यहाँ पर आमा बस थोड़ा सा है, ये मीठा वाला आमा और खट्टा वाला, मीठा वाला तो कम ही मिला, खट्टा वाला थोड़ा हल्का से ज्यादा मिला बस, वो भी कम। इसमें भी है खट्टा मीठा दोनों, ये है मीठा वाला, ये छोटा छोटा है खट्टा वाला। तो जाते हैं पानी वानी पीते हैं अब। तो अभी हम लोग फिलहाल घर पे आ चुके हैं, देख सकते हो ये है घर, टीवी को निकाल दिए हैं, और अभी इसको लगाएंगे इस दीवार पे, इस वाले दीवार पे लगाएंगे इस वाले पेपर को, देख सकते हो उसके कारण से टीवी को भी निकाल दिए हैं। यह है बोर्ड, देख सकते हो चार्जिंग है अच्छा खासा, कम है लेकिन थोड़ा सा इसमें, और दो पॉइंट है इसमें, अच्छा अच्छा है भाई, 1500 का है बोर्ड का, तो अच्छा है। बहुत गर्मी है, लेकिन गर्मी बहुत है, अब भी जस्ट आए हैं और बैठे हूँ मैं, गर्मी हालत खराब है भाई, घर से बाहर मत निकलना। और गाइस, मैं एक चीज बताना भूल गया कि मैं बाल कटवाया हूँ, देख सकते हो बाल कैसा कटा है, अच्छा से कटा है मुझे पता है, लेकिन हल्का पीछे तरफ से थोड़ा सा बिगड़ा है हल्का सा, वो एक हफ्ते में बराबर हो जाएगा उसके बराबर, तो अभी ठीक ठाक है बाल अच्छा। इस कटिंग को मैं देख के टेक बर्नर उसके टाइप से कटवाने की कोशिश किया हूँ, तो कैसा है मेरे बाल देख सकते हो, अभी छोटा छोटा है, पहला बार इतना छोटा छोटा है मेरे बाल, नहीं तो आप लोग देख सकते हो वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में
इसको पिछले वाले वीडियो में बाल मेरा बहुत बड़ा बड़ा रहता था, अभी बस एक बार मैंने कर देख के बस छोटा छोटा करवाया हूँ। उसका बाल का जो कटिंग है वो बहुत पसंद आया मुझे इस कारण से। ड्रिल चालू हो गया है, इस कारण से इसके पीछे में रहेगा टीवी। ऐसा फिट होगा यहाँ पर, पहले टीवी यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर है, इधर साइड में स्टिकर रहेगा, वो वाला स्टिकर रहेगा, ये वाला फिर लगेगा अच्छा, और ये रहेगा इसके साइड पे ऐसा, फिर और अच्छा दिखेगा। यहाँ पर चिपकाने का स्टार्टिंग हो गया है, तुम देख सकते हो ऐसी रहेगा पूरा, और नीचे या फिर साइड में बॉर्डर रहेगा ब्लैक वाला जी, जो कि इस वाले में लगा है वैसा रहेगा ब्लैक वाला। एक बार इसको निकालोगे तो पूरा पेंट ही उखड़ जाएगा इसका, फुट्टी के साथ में इतना पावर है, इसको अच्छे से चिपकाना पड़ेगा। और इसके बाद इसको टीवी को निकालते हैं, तो यहाँ पर ये लग चुका है, देख सकते हो यहाँ पर कटिंग करना पड़ा थोड़ा सा, यहाँ से बस कटिंग करना पड़ा, उसके बाद हो गया पूरा। इसके साइड में अब लगेगा बॉर्डर, बॉर्डर टाइप से यहाँ से लगेगा इसे ब्लैक कलर का, वो पकड़ा है किशन, वही वाला लगेगा ब्लैक कलर से तो अच्छा दिखेगा। अब लगने के बाद पूरा दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को फिर अच्छे से समझ आएगा, फिर कैसा लगता है कैसा दिखता है वो पूरा समझ में आएगा। दूर से ऐसे लगेगा, उस जगह का टीवी रहेगा, इस साइड में ये वाइट वाला है ना रखने का, वो रहेगा इस साइड में, तो पूरा आप लोगों को मैं लगाने के बाद दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ये देख सकते हो मस्त बन चुका है, जो कि अच्छा खासा से इस सेटिंग में, लेकिन ये वायर वगैरह अच्छा नहीं लग रहा है। और देखो इसी को करते बहुत 2 घंटा से ज्यादा लगा, और दिखने में ऐसे दिख रहे 5 मिनट 10 मिनट का काम, लेकिन वैसा नहीं है, ये उससे ज्यादा काम है, बस दिखने को ऐसे दिखता है, करने में पता चलता है कि कितना टाइम लगता है ऐसे करके। तो बस अब वीडियो को यहीं एंड करते